Hello everyone, welcome to the She Speaks at Ten show. Today we are in conversation with Ms. Ruchi Kumar, who is a tarot reader, astrologer and a Vastu expert with nearly 25 years of experience. A very warm welcome to Ms. Ruchi. Hello everyone. First of all, I would like to thank Amara Foundation for inviting me over. I don't know how much I will be speaking about my life, but it's a very good concept. I found that was the only reason that I was so looking forward to join this foundation and She Speak at 10. So I was well prepared before 10 to speak here. And thank you, Vinita Bakshi, the founder of Amra Foundation. And I think she's doing a tremendous job helping those girls and women who are not able to get to anyone or say anything to anyone. They have a helpline number. It has a good, you know, working timings and all that. And it's a very good thing that she took the initiative and she's looking after the girls, small girls and women, for their mental health issues and counseling them. It's a very beautiful thing. Vinita, thank you so much. I would like to share the number also for the helpline, number for you to get the reference or tell anybody who has some kind of problem and they are not trying to open up to you or they don't want to open up to you. They can always go there and have a word. The number is 1-800-832-300. I would repeat 1-800-832-300. And okay, now I have to start with myself. So I'm Ruchi Kumar. I've been doing my tarot practice for now almost 25 years. I started in 1996 after my father passed away. And wo ek aisa experience tha mere liye life ka ki jise kehna chahiye ki meri zindagi badal gayi usse. Main 25 साल की थी, 26 साल की उस टाइम पे, और अचानक मेरे पापा की डेथ हो गई. एंड ही वाज लाइक, वो मेरे लिए एक जैसे कहते हैं कि एक एंकर थे मेरी लाइफ के, जो मैं ऐसे हवा में तैरने लग गई कि मैं कहाँ जाऊं उनके जाने के बाद. और अचानक ही पास्ट अवे, कोई रैम एंड रीजन नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसपे हम पिन पॉइंट कर सकें कि इनको ये बीमारी थी. ये इतना टाइम था, इट वाज जस्ट 51 when he passed away. And now I am 50. So वो मेरे लिए बहुत traumatizing था experience कि मैं कैसे वो चीज को समझूं या मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं. तो as usual, जैसे हम लोग जाते हैं कि पत्री दिखाते हैं, या मैंने अपने पापा की पत्री बहुत जगह दिखाई, astrologers के पास गई उनकी कुंडली दिखाने की. Why he passed away? वो क्यों चले गए ऐसे अचानक से? कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं. तो किसी ने भी मुझे कोई एक ढंग का जवाब नहीं दिया कि ये कारण था या ये ग्रह नक्षत्र थे या ये दशा थी या ये था. मार्केश आया था जी, तो मेरे को वो कभी भी वो चीज समझ नहीं आई. तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुद ही पढ़ना सीखती हूँ ताकि मुझे पता चले why he passed away. और ऐसे मैं एस्ट्रोलॉजी में गई, मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया. फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, इनफैक्ट हर मीडियम की एक लिमिटेशन है, एस्ट्रोलॉजी की भी, टैरो की भी. तो मुझे लगा कि ये पूरे जवाब मुझे नहीं मिल रहे, मुझे कुछ और करना चाहिए. मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा. फिर मैंने टैरो सीखा. फिर टैरो सीख के मुझे ये अच्छा लगने लगा कि वास्तु भी सीख लेती हूँ. फिर मुझे लगा कि मैं पामिस्ट्री भी सीख लेती हूँ. वो करते 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 मैं इस चीज में घुसती चली गई. और अब तो इतने साल हो गए कि मुझे याद भी नहीं कि मैं कब टैरो नहीं करती थी. दोस्तों का शुरू किया,
फैमिली का, फ्रेंड्स का, वो लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि तुम बहुत एक्यूरेट हो, तुम्हारा बहुत सही हुआ, रुचि तुमने बोला था ऐसा हो गया। तो ऑब्वियसली अपनी तारीफ तो सबको पसंद होती है, मुझे कुछ ज्यादा पसंद थी, तो मैं बहुत खुश हो गई उस बात पे और उसी को मैंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वो करते करते लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब मुझे लगा कि अब मुझे लोगों से मिलना चाहिए या मुझे बाहर भी ये करना चाहिए, मुझे प्रोफेशनली ये काम करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया, ऑल्दो शुरू में सिर्फ रेफरेंसेस से ही किया, मैंने कहीं अपने आप को एडवर्टाइज नहीं किया या कहीं वो नहीं किया, घर में एक कमरा खाली किया और उसमें टेबल चेयर लगा के मैं बैठ गई ऑफिस बना के कि हाँ ठीक है, जो आएगा उसको देखूंगी। और मेजर मेरा रीजन ये था कि कोई मेरे पापा की तरह ऐसे अचानक से किसी के पापा ना जाए, जो बहुत टाइम तक मुझे लगता था कि उसके पापा तो जिंदा है, मेरे पापा कैसे मर गए। तो मुझे लगता था ये फीलिंग किसी और को ना मिले, अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। वो करते करते फिर सालों हो गए ऐसे ही चल रहा था, किसी से रेफरेंस से कोई आया, आगे किसी से कोई आया। लोगों को टैरो के बारे में पता भी नहीं था इतना, बहुत नई चीज थी इतने साल पहले, 1999 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे बहुत नई चीज थी, लोगों को पता नहीं था कि ये क्या, ये पत्तों से कैसे कोई भविष्य बता सकता है, अब ये क्या फोटोएं बनी हुई है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि टैरो एक्चुअली, अगर आप देखें टैरो की हिस्ट्री अगर देखें, तो टैरो एक जिप्सी टेक्निक है फॉर फ्यूचर टेलिंग। उसका जैसे हम लोगों की एस्ट्रोलॉजी होती है, ऐसे ही यूरोप में जिप्सी जो कल्चर है उनके अंदर ये इन पिक्चर्स से इंटरप्रेटेट किया जाता है कि क्या आपका फ्यूचर क्या है। तो इट्स लाइक, अगर मैं एक एग्जांपल, जैसे कहते हैं एक एग्जांपल सेट करूं उस चीज पे, तो एग्जांपल ये है कि आप ये समझिए एक इंक की बॉटल है, एक पेन है और एक हाथ है उस पेन को लिखने वाला। मैं एज ए टैरो कार्ड रीडर, मैं इंक हूं और जो पेन है वो टैरो है, जो कार्ड्स हैं वो पेन है, और स्पिरिट्स जो आपको गाइड कर रही हैं वो आपका हाथ है। इसलिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि लोग मेरे से आके करवाएं या मैं सामने से वीडियो कॉल पे लोगों को टैरो देखूं या लोगों से इंटरेक्ट करूं। और वही मेरा था शुरू से, पर इस पेंडेमिक ने मुझे ये किया कि नहीं, आपको तो ऑनलाइन कीजिए। अब मैं 50 की उम्र में मैंने ऑनलाइन जाके शुरू किया कि अब मैं ऑनलाइन पे, अब देखिए मैं वीडियो कर रही हूँ फेसबुक पे लाइव और I'm enjoying it, actually. I'm thoroughly enjoying it. मुझे बहुत मजा आ रहा है बच्चों से बात करने में। और शुरू में तो मुझे लगा कि सब अपने घरों में बंद हैं, उदास हैं, पेंडेमिक के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ करने को नहीं है, तो मैं अच्छे से तैयार होके अच्छे से सच सवर के सामने बैठूंगी और कोई बातें करूंगी, कुछ भी बात करूंगी। मेरी बेटी कोयम्बटूर में रहती थी, तो मुझे उसका डर था कि वो अकेली है, उसके पास कोई नहीं है बोलने वाला। मेरे को लगता है कि मेरे बेटी जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको एक ये हेल्पलाइन जो विनीता बख्शी ने शुरू करी है, आमरा फाउंडेशन ने शुरू करी है, उनको वो उसकी जरूरत है। एक्चुअली आज के टाइम में जरूरत है, जब आप अपने फ्रेंड से कोई बात नहीं कर सकते, जब आप किसी से कोई नहीं बात कर सकते, आपके कोई नाते रिश्तेदार नहीं है इतने, अगर है भी तो बहुत दूर के हैं। जैसे मैं आज भी, मेरे जो ताया चाचा के बच्चे हैं, मेरी बुआ के बच्चे हैं, उनको मैं भाई बहन बुलाती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे अपने अपने ताए चाचा का, मामा के बच्चों को कजन्स बुलाते हैं। फर्क शायद देखने का है या मेरी उम्र का भी हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है मैंने अपने कजन्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा बचपन शेयर किया। मेरी एक
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी. मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वूमन मानती हूँ कि मैं किसी से हारती नहीं, मैं किसी से थकती नहीं. इस उम्र में भी मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं एक नए चैलेंज के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रही हूँ कि अब मुझे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर 50,000 फॉलोअर्स चाहिए अपने इंस्टाग्राम पेज पे. तो आई थिंक वो चीज बचपन से ही आती है, या आप कह लीजिए कि वो फाउंडेशन मेरी उतनी अच्छी थी. एंड थैंकफुली टचवुड मेरे को मेरे जो ससुराल मिला, जो मेरे पति मिले, वो भी बहुत सपोर्टिव थे. ऑल्दो मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, आई वाज 19 व्हेन आई गॉट मैरिड. और उसका कोई मेरे पापा या मेरी फैमिली कोई रीजन नहीं थे. आई वाज इन लव विद द मैन एंड आई गॉट मैरिड टू हिम, दैट इज ऑल. तो एक पॉइंट ऐसा भी था मेरी लाइफ में जब मुझे मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही थी, मुझे प्रॉब्लम्स थी, और मेरे पापा ही से मैं सारी बात करती थी. मुझे अपनी मम्मी से ज्यादा मैं क्लोज नहीं हूँ अपनी मदर के. तो फादर को मैं सब बात बताती थी, सब करती थी, एंड फादर पास्ड अवे जस्ट लाइक दैट. इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी. आज मैं इस चीज को समझी हूँ कि हाँ, शायद मुझे और स्ट्रॉन्ग करना चाहते होंगे वो, तो मैं ऐसे बनी. या मुझे एक नया रास्ता खुलना था मेरे लिए जीवन का. मैंने उनको सारी जिंदगी पूजा पाठ करते देखा, घंटों वो बैठ के पूजा करते थे. हमारे घर में पूजा पाठ का बहुत माहौल था, तो वो मैंने देखा. और अब जब मैं घंटों बैठती हूँ, या जब मैं पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ, या जो मैंने सब किया, उस सब में कहीं ना कहीं मेरा वो बैकग्राउंड बहुत रिस्पॉन्सिबल था उस चीज के लिए कि मैं घबराई नहीं कि इतना ज्यादा पूजा पाठ क्यों हो रहा है. टैरो या जो भी स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्टेड रस्ते हैं, मुझे लगता है उनपे आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के तो चल नहीं सकते. मैं अपने आप को बहुत गॉड फेयरिंग मानती हूँ, और मैं जानती हूँ, और शायद मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरती, मैं सिवाय भगवान के किसी से नहीं डरती. आपको अजीब हो सकता है लगेगा, लेकिन मैं इस बात में बहुत ज्यादा मानती हूँ कि हाँ, भगवान है, और वो बहुत अच्छे से हमारी बात सुनते हैं. और कभी नहीं भी सुनते तो वो हमें बता देते हैं बाद में कि तुम्हारी इसलिए नहीं सुनी थी डार्लिंग, समझो ये पंगा था, तुम्हारे साथ ये गलत होना था, ये सही करना था. मुझे लगता है आज मैं इतने बच्चों को हेल्प कर पा रही हूँ, या मैं जो भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ लाइफ में, उसके लिए कहीं ना कहीं मेरे पापा की डेथ जिम्मेदार है. उस टाइम मैं बहुत तड़पी, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद उनका उतना ही वक्त था, उन्होंने उतना ही जीना था, उतना ही मेरा साथ देना था, उसके बाद मुझे खुद ही चलना था, और मैं चल दी. आज मैं चारों वेद पढ़ चुकी हूँ, मैं और बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ जो कि शायद मेरी एज में लोग नहीं इतना पढ़ते हैं. और बहुत ज्यादा सुपरफिशियल चीजों के पीछे भागते हैं. आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड वेयर आई एम, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मुझे नजर लग गई है, मेरी कांच की वो टूट गई है, क्या नाम बोलते हैं, कैंडल, पीछे से कड़क की आवाज आई है. खैर, मैं अपनी नजर उतारना जानती हूँ, मैं उतार लूंगी. तो खैर, अब बात आती है कि कैसे मैं इतनी स्ट्रांग हुई, या मैं कैसे इतनी स्ट्रांग बन पाई. मुझे, मैं और कई औरतों को देखती हूँ, कई लड़कियों की बातें जो मेरे पास आते हैं बच्चे, उनकी मैं बातें सुनती हूँ, तो मैं बहुत बाज दफा हैरान भी होती हूँ कि क्यों इन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों एक अपने अपनी जगह पे अपने आप को बोल नहीं पा रही है, या अपनी अपना मकाम नहीं बना पा रही. वो शायद उतनी फॉर्चुनेट नहीं है जितनी मैं थी. पर मैं उन बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी
बात है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रसरी आवर्जात से सिलपर परत निसान। तो वो बहुत जरूरी है कि कोशिश करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग लोग बोलते हैं औरतों पे अत्याचार हो रहा है, औरतों पे बुरा हो रहा है, औरतों पे ये सब यस हो रहा है, हमारे इसी समाज में हो रहा है, यही दिल्ली शहर में हो रहा है, हमारी रिश्तेदारी में हो रहा है, मेरे पास तो सब आते हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, मुझे पता है हो रहा है। लेकिन औरतों को एक बात की तसल्ली करनी पड़ेगी कि एक जमाना ऐसा था, आज से 3500 साल पहले एक जमाना ऐसा था जब औरतों की ही पावर थी, सो मच सो दैट कि ऋग्वेद में अगर आप देखिए, ऋग्वेद जो है वो 1500 BC में लिखा गया था, और ऋग्वेद में जो ऋग्वेद लिखने वाला था, एक फैमिली ने लिखा था ऋग्वेद, वो थे अदगत्री परिवार। उस अदगत्री परिवार की जो फीमेल जो औरतें थी उस अदगत्री परिवार में, औरतें जो जो भी थी, बेटियां बहुएं, वो सब ने प्रॉपर इनपुट दिया हुआ है उस वेद को लिखने के लिए। अगर हम ये वेदों को इनको किसी भगवान या किसी चीज से नहीं भी जोड़ते, सिर्फ अगर हम ये मानते हैं कि ये वेद हैं एंड ये हिस्ट्री बता रहे हैं, तो आप अगर हिस्टोरिकली भी देखो तो वो जमाना ऐसा था जो पैस्चरिस्ट था, पैस्चरिस्टिक था, औरतें ही ज्यादा काम करती थी क्योंकि गायें ज्यादा पाली जाती थी, वो लोग खेती बाड़ी नहीं जानते थे ऋग्वेद के टाइम पे, उनको ये पता ही नहीं था, वो सिर्फ घूमते थे, लैंड ओनिंग नहीं होती थी। उसमें ये होता था कि क्योंकि गायें का काम है, आज भी हमारे इंडियन, अगर आप जो इंडियन एग्रीकल्चर सेंसेस ऑफ इंडिया का अगर आप डाटा निकाल के देखिए, तो आज भी गायें काउस की देखभाल ज्यादा औरतें करती हैं बजाय कि आदमी करने की, टिल डेट। That time, that was only the thing they were used to do. उसी से ही उनका उनका जिंदगी चलती थी, उसी से ही उनका सब कुछ चलता था, और वो औरतों की प्रधान समाज था, इतना ज्यादा प्रधान समाज था कि संस्कृत का वर्ड है दुहित्री, इसका मतलब है दूध दोहने वाली, मतलब अगर आप उसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो दूध दोहने वाली। आज हम उषा को एक नाम समझते हैं कि हाँ इसका नाम उषा है, या उषा का मतलब लाइट होता है, पर उषा नाम आया कहाँ से? वो आया ऋग्वेद के टाइम से, क्योंकि उषा सूर्य की माँ थी, और उषा जो है वो मेन गॉडेस थी उस टाइम पे, जिनकी मेन पूजा की जाती थी, कोई गॉड की पूजा नहीं होती थी, उषा की पूजा की जाती थी, इतना ज्यादा विमेन लिब था या विमेन लिबरेशन था, या औरतों के पास इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थे। और हुआ ये कि उसके बाद आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ फार्मिंग, फार्मिंग कम्युनिटी बनी, लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया, एक जगह को लैंड को ओन करना शुरू किया। उसमें ये हुआ कि औरतों की ऑब्वियसली फिजिकल एबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आदमियों की है, वहां औरतों के लिए रह गया, वो एक एक स्टेप पीछे हो गई, आदमियों ने आगे जगह ले ली खेती करने के लिए, हल जोतने के लिए, जिस भी तरह से, क्योंकि शुरू में हल तो आए नहीं थे, जिस भी तरह से खेती करनी शुरू की गई वो हुई, और वो आदमियों ने करी, और जब ही आदमियों ने करी तो उन्होंने औरतों को और पीछे 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 करते गए। आप ये देखिए कि चार वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में जो अदगत्री फैमिली है उसने इतना ज्यादा औरतों का इनपुट लिया है, और उसके बाद सामवेद में फिर भी कुछ कहीं कहीं जगहों पे ये चीज चैलेंज की जाती है, या कहते हैं कि वो डिबेट की जाती है कि सामवेद में थोड़ा बहुत औरतों का इनपुट लिया गया था, बाद के दोनों वेदों में तो बिल्कुल कोई इनपुट नहीं है औरतों का, कि उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी वो वेदों के आते आते तक। फार्मिंग की वजह से, या कह लीजिए कि एक नई, एक जैसे कहते हैं ना कि एक नई खोज की वजह से, जो आदमियों ने लैंड ओन करना शुरू करी, उन्होंने उसको आगे अपने एयर को देने के लिए, उसके लिए मेल एयर्स के लिए मेरी जरूरत है, मुझे अपने बेटे को देनी है,
वहां से वो एक स्टेप और फर्दर बढ़े और औरतें एक स्टेप और फर्दर पीछे हुई। करते 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 इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि आज की डेट में एक लड़की अगर नौकरी करती है या नहीं करती है ये बात तय उसका पति करेगा, उसके ससुराल वाले करेंगे, क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान समाज है, हमारे को तो लड़की की शादी करनी है, लड़के को काम पे लगाना है। आज भी अगर आप अपने घरों में अपनी मेड से पूछिए कि उनको खाने में क्या मिलता था और उनके भाइयों को खाने में क्या मिलता था, आप देखेंगे कि कितना फर्क है। आज भी है हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बेटियों को पढ़ा दिया, बहुत है, लेकिन बेटियों को पढ़ा के, बेटियों को बड़ी बड़ी नौकरियों पे लगा के शादी के बाद उसके पति पे छोड़ दिया कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। ये जैसे कहते हैं इतने साल लगे औरत को यहां पहुंचने में, अब वक्त फिर बदल रहा है। आज की डेट में औरतें बहुत आगे आ चुकी हैं पहले के टाइम से। अगर हम 100-150 साल पीछे की बात देखें तो आज हम काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, काफी बदल चुका है समाज। शहरों में ज्यादा बदला है, गांव में, छोटे शहरों में थोड़ा कम है, लेकिन चेंज ही मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे चेंज होते होते औरत की एक वो कंडीशन हुई, ऐसे ही चेंज होते होते औरत वापस उषा बनेगी। वक्त जरूर लगेगा पर वक्त के साथ ही होगा, मेहनत करके ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ लोग समझे कि औरत अपने आप को कमजोर समझती है, वो खुद समझती है, आदमी उसे कमजोर इतना नहीं बनाता जितना औरत खुद अपने आप को कमजोर बनाती है। मैं तो शायद किसी की भी नहीं सुनू जीवन में, अभी तक तो नहीं सुनी भगवान की दया से, आगे भी शायद नहीं सुनूंगी। लोग औरतें अपने आप को ज्यादा विक्टिमाइज भी करती हैं और औरतें औरतों को ही बहुत ज्यादा खराब भी करती हैं, दबाती भी हैं। और हमारे घर में मेरे मायके में बचपन में ये था कि बहुत सारे भाई थे मेरे, कजन्स और बहनें हम कम थी, तो फॉर्चुनेटली हमें बहुत लाड मिला, हमें बहुत बहुत प्रोटेक्शन मिली, बहुत हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोले गए कि हाँ ये तुम कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती, करो। और मैं इस मामले में अपने ही पर्सनालिटी के मामले में मैं अपने फादर से ज्यादा क्रेडिट किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन का अपना एक किस्सा याद है। मैं हमारी कॉलोनी में पार्क था, उसमें मैं खेल रही थी और खेलते खेलते एक लड़के से मेरा झगड़ा हुआ, उस लड़के ने मुझे थप्पड़ मारा, तो मैं रोती हुई घर आई कि मुझे उस लड़के ने थप्पड़ मारा है। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत गुस्सा किया और मुझे वापस भेजा कि जा और उसको मार करा, क्या मैं तुझे कम रोटी खिलाता हूं, क्या तुझे वो चीजें नहीं मिल रही जो तेरे भाइयों को मिल रही है, गो बैक एंड फाइट फॉर योरसेल्फ। बिकॉज हमारे घर से बैल्कनी से वो पार्क दिखाई देता था, तो मैं थोड़ा ऑब्वियसली जब पापा ने इतना बोल दिया तो मैं तो कुछ शेर हो गई, मैं तो गई डंडा लेके, जो घर में कपड़े कूटने वाला डंडा होता है वो उठा के मैं ले गई और मैंने उस लड़के को पार्क में अच्छे से पीट दिया। उसकी बहुत स्क्रैचेस रैचेस आ गए और बहुत बुरा हाल हो गया और उसकी मम्मी हमारे घर आ गई लड़ने के लिए कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे को इतना मारा। तो मेरे पापा हंसते हुए उनको बोले कि हाँ आपके बेटे को अभी ये सिखा दो कि लड़की पे हाथ नहीं उठाना, बाद में इसको पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, उससे बेहतर है कि अभी इसको ये सीख ले कि औरत सहेगी नहीं। तुम ये मेरी बेटी के लिए नहीं बोल सकते, तुमने जिसको पीटना है पीटो जाके, लेकिन मेरी बेटी के साथ पंगा मत लेना। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया कि हाँ मैं क्यों किसी से डरूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। मेरे माँ बाप ने, मेरी माँ ने मुझे 8 महीने में पैदा नहीं किया था, मैं फुल टर्म पैदा हुई थी, मेरे भाई भी उतना ही टाइम लगा के, सब 9 महीने में पैदा होते,
मैं भी 9 महीने में पैदा हुई थी, तो इसमें क्या स्पेशल है अगर वो लड़का है? मैं स्पेशल हूं, मैं लड़की हूं, मैं तो बच्चे पैदा कर सकती हूँ, वो तो नहीं कर सकता। ऑल्दो अब तो वो भी कर सकता है बट स्टिल तो ऐसे करके मेरे बचपन से ये चीजें हुई। फिर मेरे हस्बैंड वो और ज्यादा जैसे बोलते कमाल निकले, उन्होंने बोला कि ठीक है यार तुझे जो करना है वो कर, दफा कर, लोगों को लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही। मतलब हम लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में हमारे हम 4 लोगों की फैमिली है, मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे हस्बैंड ने शुरू से मुझे ये बात कही कि बस कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और हमने वही चीज अपने घर में फॉलो रखी हुई है कि हाँ हम 4 अपनी मस्ती करते हैं, हम 4 के बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। मैं अपनी बुरी आदतों को अपने बच्चों से शेयर करती हूँ, सब में बुरी आदतें होती हैं, मैं अपने बच्चों से, मेरे बच्चे मेरी हर बुरी आदत को जानते हैं, मेरे बच्चों की भी जो बुरी आदतें हैं वो मुझे पता है, मेरे बच्चे मुझे नहीं छुपाते। और आई थिंक मुझे लगता है मैंने यही अचीव किया है लाइफ में। एक टाइम ऐसा था जब मुझे सिवाय बच्चों के या सिर्फ घर के कुछ नहीं दिखता था कि हाँ, मतलब मुझे ये लगा ही नहीं था कि मैं इतना इतना इस काम में घुस जाऊंगी या मैं इतना इस काम को करूंगी कि मैं घर से निकल के कहीं और जाके पढ़ाई करूंगी और फिर मैं आऊंगी। या जब मैंने टैरो सीखा तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीखा था, तो 6 महीने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी बच्चों को यहाँ छोड़ के, तो मुझे लगता था कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं वापस आऊंगी, बच्चे मुझे पहचानेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अब बहुत खुश हूं इस चीज के लिए कि हाँ भगवान की दया से मेरे सब रास्ते खुलते चले गए। और मैं ये बात बहुत गर्व से कह सकती हूँ, बहुत प्राउडली ये बात कह सकती हूँ कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो तो मैं पीछे नहीं हटती हूँ। मैं अपने आप को बहुत पावरफुल मानती हूँ, रिगार्डलेस कोई भी क्या सोचे, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट फॉर माई सेल्फ कि मैंने आज अपने लिए एक नीश बनाई है, एक अपने लिए वो जगह बनाई है समाज में कि लोग ये बात जानते हैं कि रुचि से पंगा मत लेना, वो अच्छे से बता देगी तुम्हें। शायद मेरी अपब्रिंगिंग कुछ लोग कह सकते हैं गलत थी कि मुझे ज्यादा लड़कों की तरह वो किया गया, लेकिन वो भी तो पेट्रियार्की है। अगर आप मुझे लड़कों की तरह बोल रहे हो, एक लड़की क्यों नहीं ऐसी हो सकती कि जो अपने दिमाग से सोचे, अपनी मर्जी से चले, अपना अच्छा बुरा जाने। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, या मैं जब बच्ची थी तो भी मेरे को बचपने वाले ही डिसीजन लेने थे, मुझे कोई बिजनेस नहीं चलाना था उस टाइम पे, तो मैं डिसीजन तो तब भी ले सकती थी। और आज जब मैं हूं, बड़ी हूं, तो मेरे पास उतना एक्सपीरियंस भी है, उतनी नॉलेज भी है, तो मैं वो डिसीजन भी ले सकती हूँ। आई थिंक आई हैव टुक इनफ टाइम, आई हैव नो आइडिया मैंने कितना टाइम लगा दिया है, देखते हैं। बट आई एम रियली, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आप लोगों को ये अपना लाइफ का शेयर किया। छोटी सी स्टोरी है मेरी, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, पर मुझे लगता है कि हाँ लोगों को एक ये रुख भी पता चलना चाहिए कि ठीक है, हमारे समाज में बहुत ऐसे हैं जो प्रताड़ित हैं या जो तंग हैं या जो परेशान हैं, पर मुझ जैसे भी कुछ कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जो खुल के जी पा रहे हैं। मुझ पे किसी और का कोई बंधन नहीं है, मुझ पे बस मेरा ही बंधन है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे, जो लड़कियां आमरा फाउंडेशन के साथ जुड़ के अपने आप को कुछ अपनी अपनी मन की बातों को हल्का करना चाहती हैं, दे आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी एज वेल एनी टाइम, डे और नाइट। मैं इस चीज के लिए हमेशा रहती हूँ कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत जरूरी है। भगवान ने, अगर हम मानते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, सृष्टिकर्ता ने चीजें बनाई, सब जीव जंतु, कीड़े मकौड़े, जलचर, जो जमीन के जानवर,
धरती के जानवर और पानी के जानवर, आकाश के जानवर, वो सब बनाए, उन्होंने सबकी आंखें आगे लगाई। तो क्यों आंखें आगे लगाई? कोई तो कारण होगा ना। वो आंखें साइड पे लगा देते, पीछे लगा देते, क्यों उन्होंने एक बनाया? चाहे बेल है उसकी आंखें आगे हैं, चींटी है उसकी भी आंखें आगे हैं, उल्लू की भी आंखें आगे हैं, चाहे वो अपनी गर्दन पूरी मोड़ लेता है लेकिन वो गर्दन मोड़ता है, आंखें उसकी पीछे नहीं लगी हुई। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए लगाई है आंखें आगे, कि आगे देखो, पीछे को छोड़ने की करो कोशिश, करो कि पीछे की चीज को खत्म करो या उसको उसको भूलने की बजाय उससे एक लेसन लो कि आगे से फिर ऐसा नहीं होगा आगे। एंड आई थिंक आई विल सम अप माय सेशन हियर, एंड आई होप कि आप लोग मुझे मेरी जो भी बातें हैं उनको पॉजिटिवली लेंगे, अच्छे से देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अगर करेंगे तो डेफिनेटली मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू आमरा, आपने मुझे इनवाइट किया। आई डोंट नो मैं आप लोगों के मापदंड पे कितना उतरी हूँ खरी, पर एज यू ऑल नो मैं अपने मन से ही करती हूँ जो भी करती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।